इससे पहले कृष्णा मुझे फिर से उठा के ले जाए, मैं बता दूं आज का प्ले है हम नाच कर चुके सनम, जोरदार तालियां। खड़े होके ताली मारी। डांस के तीन सुपरस्टार्स और भगवान यहाँ पर बैठे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी वेरी मच। दोस्तों मेरा नाम समीर है और मैं यहाँ पर डांस सीखने के लिए आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना अच्छा डांस करने के बाद ये क्या बोल रहा है ना? तो सोचना बंद करो, ये कॉमेडी शो है, इंजॉय करो यार। खैर मैंने बताया मैं समीर हूँ और आज यहाँ पे डांस सीखने आया। मेरे गुरुजी जो हैं बहुत ही बड़े नृत्यकार हैं। गुरुजी गुरुजी कमाल है गुरुजी। गुरुजी क्या किया आपने? गुरुजी क्या किया मैंने? अरे आपने अभी कमाल का डांस किया। ओ हाँ, ओ मुझे ना जुकाम के दौरे पड़ते हैं। गुरुजी जुकाम का दौरा नहीं, दिल का दौरा होता है। नहीं नहीं वो तो तुमको पता है, मुझको पता है, जुकाम को थोड़ी पता है। तो तू क्या चाहता है कि मेरे को दिल का दौरा पड़े और मैं मर जाऊं? भागा लोगे आप, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं कभी चाहूंगा आप मर जाए? और मैं तो चाहूंगा आप एक दिन पहाड़ी के ऊपर जाएं और वहां से गिरें और लोग बोले कि देखो ये आदमी कितनी ऊंचाई पे जाके मरा है। ये होता है गुरु। तू मेरे साथ बहुत फ्रैंक हो रहा, तू है कौन? गुरुजी मैं एक्चुअली समीर हूँ। मैंने आपको फोन किया था कि मुझे आपसे नृत्य सीखना है, मुझे प्लीज अपना शागिर्द बना दीजिए। सिखा तो दूंगा पर मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। गुरुजी मैं सीखने आया हूँ, मैं आपको पैसे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब पहले ऐसे बोलते हैं, जब सीख जाते हैं फिर कहते हैं गुरुजी डबल पैसे वापस करो, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। आपने इससे पहले कभी किसी को डांस वांस सिखाया? सिखाया है हा? रेडियो पे जितने भी डांस शो आते हैं उन सबको मैंने सिखाया। क्या बकवास कर रहे हैं, रेडियो पे तो कुछ दिखाई नहीं देता। ओ तभी मैं कहूँ मेरा टैलेंट खुल के सामने क्यों नहीं आ रहा। ऐसा बताइए कुछ आपने जिसको खुल के सिखाया हो। हाँ उससे पहले मैं तुम्हें दो गोलियां देता हूँ। इसको रख लो। ये मैं पहले जंगल में सिखाता था, एक बार मैं मोर को सिखा रहा था, सारे मोर आ गए, कहते वंस मोर वंस मोर। एक मिनट गुरुजी, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तो ये हाजमे की ये खा लो, जरूरत पड़ेगी। अभी आगे सुन आगे। हाँ क्या है आगे? माइकल जैक्सन। हाँ है, अभी सुन। हाँ माइकल जैक्सन के अभी तक फोन आते, रात को फोन आया गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ मुझे सिखा दो। ये जो आपने बकवास किए ना, मैं सच में मेरा मन कर रहा है मैं अभी के अभी मर जाऊं। ये जहर की है। गुरुजी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने ऐसे जमीन पे लिटाया हो और लोहे के जूते पहनकर ऊपर से आपके पेट पे जंप मारा, ऐसा कभी हुआ?
मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आज ट्राई करें, क्या बकवास कर रहे हो चाचू। चल बेटा आ, मैं तेरे को सिखाता हूँ। अब आ जा। ओवर ओवर। देखो गुरुओं के कोई असूल होते हैं जी, जो तुम्हें आता है ना पहले वो सब भूल जाओ। अच्छा जो मुझे आता है, हाँ ठीक है, सब मैंने माइंड से इरेज कर दिया। हाँ मैं तेरे को सिखा रहा जो मेरा फेवरेट है। एक मिनट, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है, ये देखिए। ये होता ऐसा, ये पड़ी पड़ी इस बार जोर की पड़ी। जोर से पड़ी है, जोर से पड़ी इसको। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, मैंने तुम्हें कहा सब कुछ भूल जा, फिर तुम्हें आता है वो डांस। अच्छा ठीक है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। मैं तेरे को डांस सिखाया वो भूल गया नहीं। अरे जो आपने सिखाया आता है, ये देखिए ऐसे, वो यही बस। हाँ, तो अब तू मेरा शिष्य है। माफ करना बेटा, मैंने तुझे बताया था ना, अंधेरे में मुझे बहुत कम दिखाई देता। तेरे दद्दा के अलावा मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। माँ ये क्या कह रही हो, मेहमान आए हैं, चाय पानी पूछो। अरे मेहमान बड़े दूर से आए होंगे, थक गए होंगे बेटा, थोड़ा सा ये इतना हैवी हैवी लेके क्यों घूमता है, हल्का हो जा, थोड़ा सा हल्का हो जा बेटा, हल्का हो जा। अरे ये देखो, ये देखो, ये देखो। अरे क्या कर रहे हो बेटा, निकालो, हल्के हो जाओ। हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ, थक गया होगा बेटा तू, लेट जा। हाँ माँ तू भी अंदर जाके लेट जा, जा। बेटा जाने से पहले गले लग ले, उम्र हो गई है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। माँ तुम्हें कभी कितनी उम्र है, कुछ भी नहीं है। मैं तेरी बात कर रही हूँ। मैं तो योगा करके टनाटन हूँ, रोज सुबह योगा करती हूँ, बताती हूँ देखो। अरे मेरी माँ को लेके जाओ यार, माँ को अंदर ले जाओ। आप अंदर आओ, मैं आपके कमरे का इंतजाम कर। नंदनी नंदनी। ये कौन है, ये मेरी बीवी है। शर्म नहीं आती, ऐसा कौवे जैसा बुड्ढा और इतनी खूबसूरत बीवी रखी हुई है। खबरदार, जो तुमने मेरे पति को बुढ़ा खुसड़ सड़े हुए भिंडी के टिंडोरे जैसा बुलाया तो। ये तो मुझे सपोर्ट कर रही है कि उसको आईडिया दे रहे मेरी बेइज्जती की।
तेरे को मैंने कितनी बार बोला, जब भी कोई घर पे मर्द आए कमरे से बाहर मत आया कर, क्यों आई है? आपको दवाई खिलाने, लो खाओ। अरे सविता बहन, कौन सा दवाई खाते कुतरे? दरअसल इनको जवानी में बॉक्सर बनने का बहुत शौक चढ़ा था। अच्छा। लेकिन इनके पहले मैच में उनके सामने वाले ने ऐसा जोर का मुक्का मारा कि इनका दिमाग हिल गया। इनको लगता है कि ये बहुत बड़े डांस टीचर बन गए हैं। आप ये दवाई खा लेना, जय श्री कृष्ण। देखिए एक मिनट गुरुजी, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, मैं जा रहा हूँ गुरुजी। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं सब समझ गया हूँ, यहाँ कुछ नहीं सीखने वाला। आठ बज गए। आठ बज गए का क्या मतलब है? आठ बज गए नहीं। देखिए गुरुजी, देखिए नहीं सीखना। देखिए गुरुजी, प्लीज ऐसा मत करिए, मैं आपका शागिर्द हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, ऐसा मत करिए। ऐसा मत करिए गुरुजी। देखिए नंदनी, नंदनी बेटी पैदा की बिल्ली पैदा की आप? पिताजी बुढ़ा नहीं बुढ़ा। बेटी इनका खट्टा नहीं मुड़ा, बाप का हुए जैसा। मैं तो कहता हूँ मिलके काला खट्टा की दुकान खोल दो आप लोग। मुझे समझ नहीं, मैं बेइज्जती कर रहे हो? जाओ कर लो अकेले जो करना है, मुक्का मारा, फ्रेंडशिप मुबारक हो, जाओ। नंदनी एक बात कहूँ, तुम्हारी जो चोटी है ना बहुत हा? कमाल की लग रही, एकदम लंबी, एकदम हॉट हॉट। अरे कुछ नहीं, वो तो पैसे खत्म हो गए थे ना, इसलिए कटवाई नहीं, ऐसी रखी हुई है। नंदनी मुझे लगता है तुम स्टार्ट हो गई हो। क्या मतलब? मतलब तुम्हारी चोटी से धुआं निकल रहा है। ऐसे कैसे? अबे चोटी जल गई, बंद करो ये, बंद करो। अबे कुछ करो, अबे कौन है ये? ये क्या किया? मेरी चोटी। चोटी का है? अबे ये क्या कर दिया? Oh,
देखो अभी डांस क्लास का टाइम हो गया है, जिन लोगों ने शराब पी नहीं है आप चले जाओ। बेटी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, ये क्या कर रही हो, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। पापा ये अच्छा लड़का है। अच्छा इधर आप। Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.